नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबका रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोगों के रिजल्ट विथहेल्ड आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिजल्ट जो हैं वो रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जिनके भी रिजल्ट में फेल दिखा रहा है, जो लोग फेल हो गए हैं और उन्हें लग रहा है, उन्होंने अपने आंसर कीज चेक किए हैं और उस आंसर कीज के हिसाब से वो पास हैं, तो उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो समय पर मिल सके। साथ ही नेक्स्ट अपडेट मैं देने वाला हूँ उनके लिए जिनके विथहेल्ड आ रहे हैं, उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन सारे मिल जाएँ और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो भी अपडेट है वो सबसे पहले इस चैनल पे मैं ज़रूर लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बार काउंसिल ने जो रीचेकिंग वाला ओएमआर आंसर किया है आपकी, इसका रीचेकिंग का जो है नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये साफ साफ नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। डियर कैंडिडेट, इट इज़ टू बी नोटिफाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ द ओएमआर सील विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 5 मई टिल 15, यानी 5 तारीख से आपका, यानी कल से नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। आप AIB 17 एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसकी, अगर आपको लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें फेल लिखा हुआ आ रहा है और आपको लगता है आपने अभी आंसर कीज जो नई वाली आंसर कीज है उसके साथ आपने अब मैच किया है, और उन 98 क्वेश्चंस में से, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, आपके 38 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट पास होना चाहिए। और इसके भी आप पे आप रीचेकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ सके। तो इसमें रीचेकिंग के लिए बताया गया है, रीचेकिंग का प्रोसेस पूरा कि क्या होगा, जो रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है आपका, तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सर रिज़ल्ट के लिए क्या फिर से हमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद इस वेबसाइट पे हमारा रिज़ल्ट दोबारा डिस्प्ले होगा? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए आगे अपडेट इन्होंने दिया हुआ है। दे आर आफ्टर रीचेकिंग अपडेट रिज़ल्ट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रीचेकिंग के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। एक बात नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि 5 तारीख को, 5 मई को आपको हर हाल में अपना जो है रीचेकिंग के लिए सबमिट कर देना। पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 तारीख को, 5 से 15 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन रहेगा। तो इस बीच आपको हर हाल में रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन फिल कर देनी है, और रीचेकिंग के लिए आपको पोर्टल में जाके AIB रिज़ल्ट वाले जो पोर्टल है, इसके नीचे इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर के जा कर के आपको अपना रिज़ल्ट रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो फिलअप करना है प्रॉपर, और उसके साथ आपको फ़ीस लगेगी 250 रुपये की। तो वो 250 रुपये की फ़ीस आपको सबमिट करनी है, और सबमिट करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो रीचेक होगा, OMR शीट आपकी रीचेक होगी, और रीचेक होने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेकेंड फेज जो है, री एवेल्युएशन विल बी ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन। देखो, अब जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट, ये तो पहला फेज था जिसमें रीचेकिंग का है, तो इसको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के साथ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, 5 से 15 के बीच में आपको अपना रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई कर देना है पोर्टल में। 5 तारीख को ये अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आपको अपना रीचेकिंग फॉर्म, जो लोग फेल कैंडिडेट हैं, जिन लोग फेल हो गए हैं उन्हें लगता है कि वो पास कैंडिडेट्स हैं और वो उनका किसी कारणवश जो उनका रिज़ल्ट जो है वो गलत कॉपी चेक हो गई, OMR शीट गलत चेक हुई है या किसी वजह से, तो वो अपना सबसे पहले काम करें, वो अपनी OMR शीट निकाल लें। OMR शीट का जो फोटोकॉपी है, जो आपका जो कार्बन कॉपी है, उसको जो है नई वाली जो आंसर की रिलीज़ की गई उनसे एक बार ज़रूर चेक कर लें, और चेक करने के बाद अगर आप 38 प्लस जा रहे हो तो आप ज़रूर इसको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आपको AIB 18 भरना पड़ेगा। AIB 18 भरने से अच्छा है कि आप अपना 250 रुपये खर्च करके, और अगर आपका पास वो आ रहा है
तो आप जरूर इसको क्लियर कर लें, और जिससे कि आपका जो है AIB 17 ही क्लियर हो जाए और आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है AIB 17 क्लियर करने के बाद आगे की प्रोसीडिंग COP अप्लाई कर दे, ताकि आपका COP जल्दी से जल्दी आ सके। सेकेंड चीज़ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो रीवैल्यूएशन जो होगा विल ओपन फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाई 15 मई 2023। देखो, जिन्होंने 15 मई 2023 तक अपना नोटिस जो उनको जो है सेकेंड फेज जो है रिवैल्यूएशन का ओपन होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो उनके लिए जो है वो पोर्टल ओपन होगा और जो है उसका जो अभी डिक्लेरेशन आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब उनको जो है रिवैल्यूएशन के लिए अपना जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सेकेंड फेज ऑफ द रिवैल्यूएशन विल ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय 15 मई 2023 बाय अ डिफरेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, जो 15 मई तक जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डिफरेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से सेकेंड फेज उसका ओपन होगा। एंड द कैंडिडेट हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट ओ एम आर सीट रीचेक्ट कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग AIB वेबसाइट। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com की साइट पे आप जाएंगे और साइट पे जाने के बाद कल, आज नहीं कल 5 तारीख को आप जाएंगे और रीचेकिंग OMR सीट का ऑप्शन आपको दिखेगा वहाँ पे। आपको 200 रुपये, सॉरी मैंने 250 बोला था, यहाँ 200 रुपये है। कैंडिडेट हैव टू पे ऑनलाइन फीस ऑफ 200 फॉर रीचेकिंग द OMR सीट। आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा OMR सीट की रीचेकिंग के लिए। जैसे ही आप ये 200 रुपये पे कर देंगे OMR की रीचेकिंग के लिए, आपकी जो OMR सीट है वो दोबारा से चेक होगी और चेक होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपकी मेल ID पर आ जाएगा। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट से आपके कमेंट्स में ले सकूं और उनको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। साथ ही दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूं कि जो उनके लिए जिनका रिजल्ट विथहेल्ड आ रहा है या जिनके रिजल्ट में किसी कारणवश विथहेल्ड हो गया है, देखो जिनका रिजल्ट रिजेक्टेड हो गया है वो रिजेक्ट मेजर कारण से उनको AIB 18 देना पड़ेगा। इस रिजल्ट रिजेक्टेड ही उनका इस वजह से हुआ कि उन्होंने एनरोलमेंट नंबर जो है वो भी सही से नहीं भरा है। विथहेल्ड खाली उनका हुआ है जिनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड, भाई बार काउंसिल ने बार बार कहा था कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, फिर भी कुछ बच्चों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट समय से अपलोड नहीं किया है। तो उनके लिए एक बार यहाँ चांस फिर से है, वो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो बार स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें। वो विंडो जब ओपन होगी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की, वो मैं बता दूंगा जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, वैसे ही मैं बताऊंगा। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है और विंडो ओपन होती है, आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रीचेक होगा। अब रीचेक होने के बाद आपका जो इवेल्युएशन है, अगर आपको आपने अपना चेक कर लिया है 38 मार्क्स के प्लस है तो आप डेफिनेटली पास हैं और पास हो जाएंगे आप इसमें। तो इसमें आपका जो है आपका जो मार्कशीट है वो आपके जो मेल आईडी है उस पर भेज दी जाएगी। वो पूरा आपका प्रिंट जो भी मार्कशीट का कॉपी है वो आप प्रिंट आउट है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उससे आप निश्चिंत रहिए। आपकी जो आंसर कीज हैं आप उनसे बस एक बार मैच जरूर कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये दोनों अपडेट मैंने आपको दे दी हैं। आई होप आप कोई क्लेरिफिकेशन के लिए नहीं, और जिन लोगों का रिजेक्टेड आ रहा है तो रिजेक्टेड किस वजह से आ रहा होगा, तो रिजेक्टेड में देखो जो मेजर इश्यूज हो गए हैं तो उसके लिए भी वो मतलब जो है एक बार जब ओपन हो तो अपना एक बार जो है अगर उनका अगर वो मांगता है कि नहीं हाँ अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे, तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप एक बार अपलोड करके देख लो। अगर आपको लगता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर कहीं भी गलत आपने नहीं फिल किया है तो इसमें आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं ताकि आपका जो फॉर्म है अगर वो कंसीडर करते हैं तो हो जाए। वैसे किसी भी मेजर रीज़न की वजह से ही रिजेक्ट हुआ होगा, माइनर रीज़न की वजह से कोई फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता, वो विथहेल्ड में आएगा। और विथहेल्ड वाले अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर डाल दें, जिससे कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ओपन के जैसी विंडो आएगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसका मैं तुरंत अपने यूट्यूब
यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूँगा आप लोगों को, तो आप लोगों को तुरंत जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना जो है अपलोड कर देना है, जिससे कि आपका हर हाल में 15 तारीख तक रिजल्ट जो है चेक करके आ जाए और आपका पास रिजल्ट जो है आप पास होके पास वाली मार्कशीट जो है आपके मेल आईडी पर आएगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है AIIBC से रिलेटेड। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है, जो IPC का बैच है मेरा वो सैटरडे और संडे स्टार्टेड है, तो जिन लोगों को IPC जो AIIBC 18 में तैयारी कर रहे हैं, जो या जिनका जुडिशरी की लाइन में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए IPC का जो बैच है वो चैप्टर 16 में पढ़ाने वाला हूँ इसमें सैटरडे संडे, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और आप कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रूर मुझे यस या नो करके भेजें कि आप ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई इशू ना आए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं इस बैच के जो है, ताकि मैं उन ऑडियंस के हिसाब से बैचेस का अरेंजमेंट कर सकूं। बैचेस जो हैं वो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, जैसे जैसे बैचेस में कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, उनको टाइमिंग बता दी जाएगी। इसमें जो ऑफेंस से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस से रिलेटेड है, सेक्शन 299 से लेकर 377 तक ये डिस्कस किए जाएंगे मेनली। तो अगर आपको पढ़ना है IPC, कोई चार्जेस नहीं है इसमें, कोई भी किसी तरह का फॉर्म का फीस नहीं है, तो आप ज़रूर आएँ अपनी। और इसमें जो है लाइव क्लासेस की डिटेल आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी बैचेस की डिटेल शॉर्ट और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, आई होप आपको डिटेल अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिटेल अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।